आप लोग को वॉइस मिल रहा है? सर। ओके, आज थोड़ा सा लेट हो गया था। आज क्या हिस्ट्री का क्लास नहीं करवाएंगे, आज क्या साइंस का क्लास ही करेंगे, ठीक है? थोड़ा लेट हो गया मैं भी आने में, तो आज हम साइंस क्लास करेंगे। और आप लोगों को पिछले क्लास में जो उत्सर्जन अंग तंत्र था, जो एक्सक्रेटरी सिस्टम था, उसके बारे में बताया था कि हमारे बॉडी में कौन कौन सा अपशिष्ट पदार्थ बनता है, नहीं वेस्ट मटेरियल बनता है, और कौन कौन से जो ऑर्गन है उसको बाहर निकलता है, और क्यों जरूरी है हमारा जो हम जो स्थल में जो जीव रहते हैं उनका जो मेन जो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट होते हैं वो यूरिया होता है, और एयर पे रहने वाला यूरिक एसिड, और जो वाटर में जो एनिमल रहते हैं उनका क्या बनता है, अमोनिया बनता है, ये बताया था। और जो हमारी किडनी है वो मेन ऑर्गन होता है जो एक्सक्रेटिंग सिस्टम का, और उन्हीं का जो यूनिट होता है उसको नेफ्रॉन कहा जाता है। अब नेफ्रॉन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और उसी में ही क्या होता है, डायलिसिस होता रहता है। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा नहीं, किसी ने मैसेज किया ना? अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ चलिए। तो सर हो सकता हाँ, प्रॉब्लम हो सकता है, देखिएगा अगर ज्यादा प्रॉब्लम ना तो एक बार बंद करके फिर से ऑन कर लीजिएगा, ज्यादा कभी कभी हो सकता है कि कनेक्ट नहीं हो पाता है। प्रॉब्लम हाँ ठीक, क्लियर जिसका नहीं है। चलिए, तो देखिए आप अगला हेडिंग डालिएगा, आप नर्वस सिस्टम या जिसको तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। देखिए, जो तो नर्वस सिस्टम होता है, आपको पिछले क्लास में बताया, ये हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। जो मैं या आप लोग हमसे जो बात कर रहे हैं ना, इसको जो संतुलन बनाए रखना है, जिसको कंट्रोलिंग कहा जाता है, जिसको बैलेंस कहा जाता है, वो क्या होता है, नर्वस सिस्टम का काम होता है। आपको बता था कि जो हमारा जो हार्मोन्स होता है वो हमारे बॉडी को क्या होता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल नहीं करता बल्कि क्या होता है, रेगुलेट करता है। रेगुलेट का मतलब क्या होता है कि जो स्थिति है उस स्थिति के अनुसार शरीर को क्या होता है, ढालने का काम करता है। और हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है ये शरीर को क्या होता है, बैलेंस या कंट्रोलिंग करता है कि हम कोई चीज हद से ज्यादा ना करें, या हद से ज्यादा करेंगे तो उसका क्या बैड इफेक्ट हो सकता है, ये जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन होना। तो देखिए, नर्वस सिस्टम में मेनली आपको दो ही पढ़ना है, तीन प्रकार के होते हैं लेकिन दो प्रकार का आपको पढ़ना है। एक तो हमारा जो मेन नर्वस सिस्टम होता है जिसको ब्रेन कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य का मुख्य तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तो ब्रेन होता है, ब्रेन मतलब मस्तिष्क। दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ये भी क्या है, नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है। और तीसरा होता है पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम कहते हैं, या पेरिफेरियल कहते हैं। पेरिफेरियल मतलब जिससे क्या होता है, हमारे जो सेंस ऑर्गन होता है, सेंस ऑर्गन जिसको आप ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं या इंद्रिया कहा जाता है, जिससे हमें भावनाएं पैदा होती है, उनसे जुड़ा होता है कि हमारे हर स्किन में होता है, आंखों में होता है, जीभ में होता है, नाक में होता है, हर जगह क्या होता है, ये सारे क्या होता है, पेरिफेरियल के रूप में क्या होता है, ज्वाइन रहता है। आज हिस्ट्री नहीं करेंगे, आज थोड़ा सा लेट में ज्वाइन किया ना, तो आज हिस्ट्री नहीं करेंगे, आज थोड़ा साइंस करते हैं, क्योंकि अभी हिस्ट्री का टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, इसलिए आज हिस्ट्री नहीं करेंगे, हिस्ट्री कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो धन्यवाद, तो हेडिंग डालेगा तंत्रिका तंत्र। या इसे कहते हैं नर्वस सिस्टम। देखिएगा, इसका जो यूनिट होता है उसे हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन क्या होता है, ये न्यूरॉन क्या है, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के यूनिट कहते हैं, इकाई कहते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो न्यूरॉन है, आपको बताया था कि ये एक सेल है, और ये सेल कभी डिवाइड नहीं होते हैं। एक मनुष्य का या जीव का जीवन में केवल एक ही बार बनता है, और इसका डेथ होने का मतलब वो सेल क्या होता है, डैमेज हो जाता है।
और ये जो सेल होते हैं किसी न किसी ऑर्गन या किसी न किसी पार्ट से क्या होता है, ये जुड़े होते हैं। अगर कोई न्यूरॉन अगर खराब हो जाता है तो उसका इफेक्ट हमारे बॉडी में हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पैरालाइज हो जाता है बहुत से लोगों का, ये कॉमन चीज आपको दिखाई देता है। तो पैरालाइज में क्या होता है कि जो सेल्स हमारे जिस ऑर्गन को एक्टिव किया हुआ था वो न्यूरॉन खत्म हो जाता है या कभी नष्ट हो जाता है, तो वो ऑर्गन क्या होता है काम नहीं कर पाता है, इसलिए उसको पैरालाइज कहा जाता है। पैरालाइज के वाले जो बीमारी होता है उसको क्या होता है, उसका मेन कारण होता है न्यूरॉन का खराब हो जाना। या आप लोग देखे कि बहुत सारे लोग का क्या हाथ पैर कपता रहता है, कंपन करता रहता है, सही से हाथ नहीं एक्टिव करता है, तो उनमें भी क्या होता है नर्वस सिस्टम का होता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो न्यूरॉन क्या होता है, नर्वस सिस्टम का क्या होता है यूनिट होता है, या तंत्रिका तंत्र का क्या होता है यूनिट होता है, और ये कभी डिवाइड नहीं हो सकता है, एक ही बार जीवन बनेगा, इसलिए इसका बहुत ही क्या होता है ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और इसको बूस्ट करने का एक ही तरीका है मेडिटेशन और उचित संतुलित भोजन। ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में बहुत होना चाहिए, ऑक्सीजन का लेवल शरीर में बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी क्या होता है हमारा न्यूरॉन सही से काम कर पाएंगे। देखिए आप अगर किसी बंद कमरे में बंद कर दिया जाए तो आप ज्यादा सोच नहीं पाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाता है। जिसके शरीर में ब्लड कम है उनमें भी ऐसे होते हैं, जिनके शरीर में ब्लड कम होगा उनको देखिए हमेशा जो सर दर्द होता है वो होते रहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाता है। जब नहीं पहुंच पाएगा तो वहां पे क्या था वर्किंग मतलब एनर्जी नहीं बन पाएगा तो वर्किंग नहीं कर पाएगा। तो यूनिट क्या होता है और इसका मेन काम क्या होता है, कंट्रोल करना, नियंत्रण, कंट्रोलिंग काम होता है। इसका नियंत्रण करना पूरे बॉडी को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, ये क्या होगा कंट्रोल, वो जैसे चलाना चाहेंगे वैसे चलना पड़ेगा। अगर हमारा तंत्रिका तंत्र या जो नर्वस सिस्टम जैसे हमें चलाना चाहेंगे वैसे ही क्या होगा हमें चलना पड़ेगा। इसको अब ये होता है, देखिए नॉर्मल में हम इसको सामान्यतः जो हमें जीएस में पढ़ना होता है उसको तीन तरह के समझ लीजिएगा। सबसे मेन होता है ब्रेन, जिसे आप मस्तिष्क कहते हैं। दूसरा होता है स्पाइनल, और जिसे आप क्या है रीढ़ की हड्डी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी के नीचे होता है इसलिए समझ लें कि रीढ़ की हड्डी में पाया जाता क्या होता है, रीढ़ की जो हड्डी होती है बीच में होता है, बताऊं कैसे होती है आपको रीढ़ की हड्डी में ऐसे कैसे। और तीसरा होता है पेरिफेरियल, पेरिफेरी मतलब हमारे बॉडी के चारों ओर, क्या था शरीर के चारों ओर होते हैं। तो शरीर के क्या होता है चारों ओर होते हैं। अब देखिए जो मस्तिष्क या जो ब्रेन होता है ये भी इसमें भी तीन भाग होते हैं, एक को कहते हैं अग्र मस्तिष्क, जिसको कहते हैं फॉर ब्रेन, एक होता है मध्य मस्तिष्क जिसको मिडिल ब्रेन कहते हैं, और एक होता है पश्चिम मस्तिष्क जिसको बैक कहते हैं, पश्चिम मतलब पीछे वाला। ये तीन होता है मस्तिष्क के भी क्या होता है यानी ब्रेन के भी क्या होता है तीन भाग होते हैं। रीढ़ की देखिए रीढ़ की हड्डी में लगभग क्या होता है 33 यानी 33 क्या होता है बोन्स होते हैं। बोन्स रीढ़ की हड्डी में कितने होते हैं 33 बोन होते हैं। और रीढ़ की हड्डी आपने अगर देखा होगा आपके घर में अगर अंगूठी होगा ना, तो अंगूठी को ऐसे करके अगर रख देंगे एक के ऊपर एक तो उसके उस जैसा ही क्या होता है रीढ़ की हड्डी होती है जिसको बैकबोन कहते हैं। इसके बीच में जो खाली स्थान होता है ना उसको क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। देखिए कोई भी चीज थल्ला होगा तो उसको एक एक के ऊपर रखेंगे तो बीच में क्या होगा खाली स्थान पाया जाएगा। ये जो खाली स्थान होता है ना उसको ही स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। यहाँ पे भी क्या होता है हमारा नर्वस सिस्टम की तरह काम करते हैं, और यहाँ पे क्या होता है सेंस ऑर्गन होते हैं। ऑर्गन होता है यानी जो हमें जिसको आप हिंदी में ज्ञानेंद्रिय कहते हैं या इंद्रिय जिसे कहा जाता है,
जिसके माध्यम से हम समझते हैं। जैसे नाक क्या होता है, गंध को। तो देने के शरीर के चारों ओर क्या होता है, सेंस ऑर्गन होता है। जैसे नाक होता है, ये स्मेलिंग को पकड़ता है। जीभ होता है, स्वाद स्वाद को पकड़ता है। उसके बाद स्किन जो होता है, ये क्या है, स्पर्श के माध्यम से शरीर के अलग अलग भावनाओं को जान पाते हैं। अब बच्चों को देखिएगा, बच्चे क्या होता है, स्पर्श को बहुत जल्दी समझ पाते हैं। जो उनके माता होते हैं, उनके स्पर्श को क्या होता है, बहुत जल्दी समझ पाते हैं। उसके बाद जो हमारी आंखें होती है, वो देख के क्या होता है, चीजों को समझ पाते हैं। या कान होता है, सुनने के काम आता है। तो ये बहुत से सेंस ऑर्गन होते हैं जो कहीं ना कहीं काम करता है। देखिएगा, ये जो ब्रेन है, इसे क्या होता है, मुख्य तंत्रिका तंत्र, तो मेन नर्वस सिस्टम के जाता है, ब्रेन को कहा जाता है। तो ब्रेन के क्या होता है, तीन भाग होते हैं। यानी जो फॉरहेड होता है, मिडिल हेड होता है, और क्या होता है, मिडिल ब्रेन या हेड कह सकते हैं, और क्या होता है, बैक जो ब्रेन कह सकते हैं। ठीक है, जो आगे वाला जो ब्रेन होते हैं, इसके भी तीन भाग होते हैं। तो उतना अंदर हम नहीं जा पाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे सेरिब्रम वगैरह वगैरह होते हैं, वो बहुत क्या होता है, उतना अंदर भी आप लोग इसमें क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। तो क्या होता है, उसके भी तीन भाग होते हैं। तो तीन ब्रेन, तीन भाग होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे क्या होता है, अलग अलग काम करते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं, पहले कौन कौन सा भाग उसमें है। तो और एक बात और समझ लीजिएगा, जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन के ऊपर हमारा एक हड्डी होता है, उसे क्रेनियम हड्डी कहते हैं, जो 8 हड्डियों से बना होता है। तो ये क्या करता है, जो ब्रेन को क्या सुरक्षित रखने का काम करता है। अगर आपसे पूछा था कि ब्रेन को कौन सुरक्षा करता है, तो बोन्स करते हैं, जिसको क्रेनियम बोन्स कहा जाता है। उसके माध्यम से क्या होता है, ये उसको सुरक्षित करने का काम करते हैं। तो इसको स्कल भी कहते हैं। स्केल पूरे को कहते हैं, ठीक है, जो ब्रेन और जो क्या कहते हैं, बोन्स और जो मसल वगैरह सब मिला के क्या होता है, स्केल। स्केल तो पूरा भाग को कहते हैं। जो हमारे जो ये देखेगा, ये जो गर्दन होता है ना, गर्दन के ऊपर से होता है। देखिएगा, आप लोग जो पीछे देखते हैं ना, गर्दन के पीछे वाला जो भाग देखते हैं, इसके ऊपर देखिएगा, एक बहुत ही क्या होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट वाला पार्ट होता है, जिसको आपने कभी कभी छोटा सुना होगा, छोटा मस्तिष्क, जिसे पिक्चर वगैरह में दिखाते हैं। तो एक आकार का होता है, जो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, वो उसका रिवर्स करने का काम करता है। तो ये वाला होता है, और ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। इसको क्या होता है, ये कम क्या होता है, ये सुरक्षित होता है। इसलिए आप लोग देखा होगा, किसी को मारना होता ना, तो यहाँ पे चोट लगाते हैं, एकदम ब्रेन के पीछे वाला भाग। आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये जैसे ब्रेन होता है, मार लेते हैं, यहाँ पे ऐसे जो भाग होते हैं, ये वाला भाग, ये आगे वाला भाग है, ये बीच वाला भाग है, और ये जो मिला के क्या होता है, ये मतलब पीछे वाला भाग होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो भाग होता है ना, ये बहुत सेंसिटिव होता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पे जल्दी चोट पहुंचेगा ना, वो व्यक्ति जल्दी बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। अगर आपको किसी को जल्दी चोट पहुंचाना है, ऐसे नहीं पहुंचाना वो अलग बात है, अगर किसी को जल्दी अगर मारना है, कुछ भी करना है, तो यहाँ पे चोट की जाती है। और यहाँ पे जैसे चोट करता है ना, तो व्यक्ति क्या होता है, चेतन अवस्था में नहीं रहता। चेतन मतलब क्या होता है, वो जिसको बेहोशी हो जाता है, बेहोशी जल्दी हो जाता है। देखिए, आप लोगों को सुना ना, एक कॉन्शियस माइंड होता है, और एक अनकॉन्शियस माइंड होता है, जिसको चेतन और अचेतन अवस्था कहा जाता है। तो इससे क्या होता है, जल्दी क्या होता है, आदमी बेहोश टाइप का हो जाता है। लेकिन क्या होता है, अगर
यहाँ पे अगर किसी चीज से चोट करेंगे ना ऊपर वाले भाग में, ये बहुत कठोर होता है, सबसे ज्यादा कठोर यही होता है, जो कपाल के आगे वाला भाग होता है ये सबसे ज्यादा कठोर होता है। यहाँ पे चोट करने से जल्दी व्यक्ति मरता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोन कम होते हैं, बोन कमजोर होते हैं, क्योंकि यहाँ वाले पार्ट देखिए बहुत कमजोर होता है। यहाँ पे चोट करने से जल्दी क्या होता है, व्यक्ति मतलब इसको कहते हैं पीछे वाला जो बैक बोन, बैक जो ब्रेन कहते हैं उसको कहते हैं, उसी हिसाब से समझ लीजिएगा इसके ऐसा क्या होता है ये। तो पहला हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग, अग्र मस्तिष्क या फॉर ब्रेन। तो अग्र मस्तिष्क में जो हमारा आगे वाला मस्तिष्क होता है उसमें देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट होता है थैलेमस होता है, या इसको हाइपोथैलेमस भी कह जाते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस भी कहते हैं। तो अग्र मस्तिष्क लिख लीजिएगा, मस्तिष्क या ब्रेन लिखिए जो भी लिखिएगा। तो कहते हैं फार ब्रेन, इसके तीन भाग होते हैं कुल मिलाकर, एक को थैलेमस कहते हैं, एक को सेरिब्रियम कहते हैं, और एक को मेडुला ऑब्लॉगेंट कहा जाता है। तो ये जो सेरिब्रम है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसके दो दो भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक होता है थैलेमस, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है पहले समझ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है। जो हमारे सेरेब्रम होता है ना ये क्या होता है, कोई भी चीज को क्या होता है इसकी स्थिति को बताता है, मतलब जैसे मैं खड़ा हूं तो मुझे खड़े होने की जो स्थिति मुझे अनुभूति करवाता है वो कौन सा है, सेरेब्रम करवाता है। यानी जिसे कह सकता है जैसे मैं किसी चीज को देख रहा हूँ, देखने का, सुनने का, या मैं खड़ा हूँ, ये जो स्थिति होती है उस स्थिति को बताने का काम कौन करता है, सेरेब्रम करता है, धनी का। तो ये स्थिति को क्या होता है, ये कुल मिलाकर स्थिति को बताता है, इन कंडीशन को बताता है कि स्थिति कैसी है, समझिएगा। तो और थैलेमस में क्या होता है, एक हाइपोथैलेमस भी होता है और एक थैलेमस भी होता है। तो आपको पता है जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या होता है, देखिए इसके साथ क्या होता है, एक हाइपोथैलेमस भी जुड़ा होता है, वो क्या होता है नर्वस सिस्टम के साथ साथ क्या होता है आपका हार्मोन्स का भी काम करता है। देखिए थैलेमस क्या करता है, ये शरीर के बाहर के कंडीशन को बताता है, शरीर के बाहर, और तो शरीर के बाहर क्या होता है, जैसे आप आग के नजदीक गए तो जब शरीर आप आग के नजदीक जाएंगे ना तो आपको गर्मी लगेगा, तो वो बताएगा कौन, थैलेमस बताएगा। और हाइपोथैलेमस क्या होता है, शरीर के अंदर की चीज को बताता है। जैसे भूख लगना, प्यास लगना, ये शरीर के अंदर की बात है ना, इंटरनल ऑर्गन का काम होता है ये। तो बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन काम करता है या इंटरनल कंडीशन है या इंटरनल जो भी काम होता है वो हाइपोथैलेमस कंडीशन, दुख सुख ये बाहर से नहीं होता, ये अंदर से फीलिंग होता है। जब सेंस जाएगा तो किसी को अगर कहीं जाते हैं तो आपको दुख लगता है तो क्यों लगता है, वो अंदर से होता है, वो बाहर से नहीं होता। लेकिन शरीर में क्या होता है, ठंडा गर्म जो शरीर के बाहर से लगता है तो वो क्या होता है आपको थैलेमस करता है, जो शरीर के बाहर से करता है, ठंडा लगना, जैसे गर्मी लगना, बारिश होना, बारिश के बूंद गिरना, या लोहे का कोई चीज आपके चुभ जाना, जो ब्रेन तक जो पहुंचता है वो सारे काम क्या करता है। और सेरेब्रम का काम होता है स्थिति को बताना, जैसे मैं किसी को देख रहा हूँ तो मुझे फोटो बन रहा है मेरे आंखों पर, वो फोटो कौन बना रहा है, ये हमें अनुभूति के हमारे आंखों में फोटो उल्टा बनता है, हमारे जो आंखों में जो प्रतिबिंब या जो शैडो बनता है, पिक्चर बनता है वो क्या था ऑपोजिट बनता है, तो उसी को आंख क्या था सही कर लेते हैं। और हमारे आंखों में जो फोटो बनता है वो 1/10 सेकंड तक रहता है, कितना सेकंड रहता है, 1/10 सेकंड तक आंखों में फोटो रहता है कोई भी पिक्चर जो बनता है। तो ये और क्या, ये ऑपोजिट भी बनता है, तो इसको सीधा करके देखना
और समझिए कि जब तक आप देखेंगे तो हर 1/10 सेकंड में फोटो आपके आंखों से जाता रहेगा, ये चलता रहता है। इसलिए देखते ना, इसलिए क्या होता है जब आप टीवी वगैरह देखते हैं तो उसमें फोटो लगातार क्यों दिखाई देता है आपको, यही कारण है, यही कारण होता है कि फोटो लगातार दिखाता है। उसमें भी क्या था, फोटो अलग अलग लगे होते हैं कि पहले देखिए रील्स वगैरह बनते हैं, जैसे पिक्चर बनते थे, आजकल तो क्या था डिजिटल हो गया है, पहले रील वगैरह आते थे, तो रील में क्या था अलग अलग रील में अलग अलग फोटो होते थे, लेकिन वो जब हम देखते थे तो वो एक जैसे दिखाई देते थे। आंख क्या होता है, तो इस तरह से आंख क्या था, एक दिन में इतनी ज्यादा चीजें देख लेता है, उसी में से कुछ चीजें में याद रहता है, कुछ चीजें भूल जाते हैं। तो जो हमारा फॉर ब्रेन होता है, जो आगे वाला जो ब्रेन होता है, वो क्या तो उसमें सेरेब्रम होता है, थैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस होता है। सेरेब्रम का काम होता है स्थिति को देखना, जैसे उस चीज को देखना, उसको स्थिति को बताता है। ये क्या होता है, स्थिति को बताता है। दूसरा है हमारा मिडिल ब्रेन, यानी जो मध्य मस्तिष्क, इसको मिडिल कहते हैं। ये क्या कहता है, देखिए ये हमारे जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है, जो हम थिंकिंग करते हैं, क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं, उस थिंकिंग को बताता है। जैसे कोई चीज के बारे में, जैसे आपने किसी चीज को पढ़ा है, उसके बारे में जो सोचना है, इसको क्या होता है, ये उसको ऑब्जर्व करता है। ये क्या होता है, सोच से समझने के लिए होता है थिंकिंग। इसे देखिएगा, जिनका जो वाला ब्रेन ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, वो व्यक्ति उस काम में क्या होता है, होता है। इसलिए जो गणित वाले जो विद्यार्थी होते हैं, जो साइंस और गणित पढ़ते हैं, उनके लिए ये जो मिडिल जो ब्रेन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। वो लोग बहुत जल्दी क्या होता है, कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा जो गणित में अच्छे होते हैं उनका क्या होता है, ये वाला होता है। और इसको क्या होता है, प्रैक्टिस से हर कोई चीज कर सकते हैं, जो ज्यादा उतना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ज्यादा कर सकते हैं। तो जो मिडिल ब्रेन है वो सोच समझता है। उसके बाद देखिए मिडिल ब्रेन और क्या करता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत समय बाद क्या होता है, आपको ड्रीम वगैरह आने लगते हैं, जो चीज आप बहुत पहले देखे होंगे। ये जो ड्रीम होते हैं, ये क्या होता है, यहीं पे क्या होता है, कोई स्टोरी जो है वो बन जाता है पहले से, क्योंकि अधिकतर 90% जो ड्रीम होता है ना, वो कभी ना कभी आप उसके बारे में सोचे होंगे, या आप उस चीजों को कभी क्या था विजुअल उसको देखे होंगे, या उसके बारे में सोचे होंगे। मतलब तो उसके बारे में जैसे मान लेते हैं कि आपने कभी ऐसे सोचे होंगे कि जिससे क्या होता है कि आप कोई राजा बन गए या कोई मंत्री बन गए और सबको बता रहे हैं। वो चीज क्या होता है, जब उनको क्या होता है, हमारा ब्रेन क्या होता है, जब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है तो क्या होता है, उसको रिपीट करने का काम करता है। या आप लोग देखे कभी कभी जाते हैं एग्जाम देने जाते हैं, तो एग्जाम से पहले लगता है कि मेरे कुछ नहीं पढ़ा हूं, लेकिन जैसे पेपर आप देखते हैं तो क्या होता है, जो चीज आपने पढ़े हो तो वो क्या होता है, रिकॉलिंग होने लगता है, रिकॉल काम करना है। तो इसका मेन काम होता है रिकॉलिंग करना, तो रिकॉलिंग होता है वो रिकॉलिंग करने का काम कर सकते, कह सकते हैं रिकॉल करना, कॉलिंग। जैसे एग्जाम हॉल में ये अधिकतर सभी के साथ होता है, एग्जाम हॉल में जाने से पहले लगता है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन जैसे जैसे क्या होता है पेपर खुलने लगते हैं, तो उसी प्रकार से क्या होता है, लोग को क्या होता है बहुत सी समझ में आते हैं। ये सारे जो चीज होता है, ये आपका क्या पास होता है, इसी तरह से होते हैं जो थिंकिंग होता है, या जितने लोग इस तरह से वर्किंग करते हैं, जो सोच समझने वाले काम करते हैं, उनके लिए ये अच्छा, रिकॉलिंग का काम उनका काम होता है, क्या रिकॉलिंग का काम होता है, इसका काम होता है रिकॉलिंग का काम, इसके द्वारा किया जाता है। वो क्या होता है, आपका जो मिडिल ब्रेन होता है वो इस पर काम करता है। और लास्ट वाला जो है वो है आपका जो फॉर बैक ब्रेन होता है, जिसको आप कह सकते हैं मस्तिष्क। क्या कह सकते हैं, ब्रेन की पीछे
जो ब्रेन की जो पीछे वाला भाग होता है ये क्या करता है समझ लीजिएगा, इसके मेनली दो भाग होते हैं, उतने में मत जाइएगा। इसमें जो काम करते हैं उसको सेरेब्रम, इसका जो एक भाग होता है उसके सेरिबेलम कहते हैं, वो सेरेबेलम था और एक है सेरिबेलम। इसमें एक सेरिबेलम वाला भाग होता है, वो उसका काम क्या होता है पहले समझ लीजिएगा। उसका जो मेन काम होता है, जो हमारे हार्ट बीट होता है, हृदय धड़कन होता है, या कभी कभी देखे होंगे बहुत से लोगों को वॉमिटिंग वगैरह हो जाता है कहीं अलग अलग जाने पर, या आप लोगों ने देखा होगा किसी को क्या होता है, मतलब ऐसा काम होता है जो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं है। समझिएगा, ऐसा कार्य ये करता है लेकिन वो हो जाता है जो हमने कभी सोचे नहीं है। जैसे क्या होता है, हम अनैच्छिक कार्य जिसे कह सकते, बिना सोचे समझे ऐसे कार्य हो जाना। ऐसे में क्या होता है, ऐसे कार्य यहाँ पे संपन्न होता है जो अनैच्छिक होता है, अनैच्छिक कार्य होते हैं। जैसे हृदय का जो धड़कना होता है ना, जो उसको हार्ट बीट कहते हैं, वो हम सोचते नहीं है 1 सेकंड में 1 मिनट में कितना होना है, 1 सेकंड में 1 मिनट में कौन ऐसा सोचता होगा कि ऐसा होगा। वॉमिटिंग, जैसे कोई किसी पहाड़ पर जाता है, घुमावदार रोड होता है तो वॉमिटिंग हो जाता है, कोई सोचता है कि मुझे वॉमिटिंग होना चाहिए, सांस लेना कोई सोचता है कि मैं सांस लूं। ये जो जितने भी चीज होता है इसको क्या कहते हैं, इसके माध्यम से किया जाता है। और एक बार समझ लीजिएगा, ये जो ब्रेन होता है ये क्या करता है, कोई भी चीज को रिवर्स करने का काम करता है, यानी पुनर्वृत्ति करने का काम करता है। जैसे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हमें क्या होता है, जो तो बार बार वही काम करने के लिए हमें प्रेरित करता रहता है, तो क्या होता है, हम करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी क्या होता है, करवाने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कोई भी चीज क्या होता है, बार बार जब हम अभ्यास हो जाते हैं तो वही चीज क्या होता है, करवाने के लिए सोचता रहता है। कुल मिला के ये जो काम करता है, अनैच्छिक काम होता है, जैसे क्या होता है, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, सांस लेना, वॉमिटिंग हो गया, उसके बाद क्या होता है, हृदय धड़कन, इस तरह के जितने भी कार्य होते हैं यहाँ पे होते हैं। और ये क्या होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, यानी ये जल्दी क्या होता है, ये डैमेज हो सकता है। और इस वजह से देखिए, ये जो आपका ब्रेन है ना, ये क्या होता है, ये ब्रेन का एकदम लास्ट वाला पार्ट होता है, और इसी से क्या होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी रहता है। इससे क्या जुड़ी रहता है, स्पाइनल कॉर्ड जुड़ रहता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्पाइनल कॉर्ड किससे जुड़ा होता है, तो जो हमारा बैक ब्रेन होता है या मस्तिष्क जिसे कहते हैं, उसमें क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। और जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड और ये ब्रेन जुड़ी रहती है ना, वो जगह क्या होता है, बहुत ही सेंसिटिव जगह कहा जाता है, और वहां पे चोट करने से व्यक्ति जल्दी बेहोश वगैरह हो जाता है, उसको मारना आसान हो जाता है। तो जो हमारा पश्च मस्तिष्क होता है, तो जो पुनरावृत्ति वाला कार्य, हेलो, आपका आवाज थोड़ा सा ठीक से नहीं आ रहा, थोड़ा सा फिर से बोलिए। हाँ हाँ बताइए, आपका आवाज थोड़ा सा ठीक से नहीं आया था, मैं तो जो सुन नहीं पुनरावृत्ति वाला कार्य आपने बोला ना, तो उसमें जो आदतें होती हैं, हेलो, पा। तो देखिए, रिकॉलिंग का मतलब होता है आदत ही होता है ना, रिकॉलिंग क्या, जैसे मान लेते आप कोई शराब पीता है, तो शराब पिएगा तो रिकॉलिंग करेगा ना कि हाँ आप शराब पीजिए, आदत जिसे कहते हैं, शराब पीजिए। या कोई शाम को पढ़ना चाहता है, किताब पढ़ने का बहुत शौकीन है भाई, उसको रिकॉलिंग तो कर रहा है कि भाई आप इस समय ये काम कीजिए। किसी को खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, मतलब रिकॉल। जिसकी हैबिट पड़ गई, तो हैबिट इस पार्ट से फॉर्म होती है। हाँ, और हार्ट, देखिए हार्ट बीट क्या होता है कि, देखिए हार्ट बीट क्या होता है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, या हम सोचते नहीं कि हार्ट बीट ऐसा होना चाहिए। कोई कंट्रोल कर सकता है हार्ट बीट को? नहीं कर सकता। देखिए हार्ट बीट में जो मसल्स होते हैं ना, उसको क्या होता है, अनैच्छिक मसल्स कहा जाता है, या उसको टिश्यू कहते हैं। देखिए हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे मसल्स जो होते हैं ना, पेशी से कहते हैं, उसके भी बहुत सारे क्या टाइप होते हैं, ऐसे नहीं होता है, अलग अलग जहाँ पे ऑर्गन होता है उस ऑर्गन के हिसाब से हमारा टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू क्या होता है, उस ऑर्गन के हिसाब से क्या वर्क करते हैं। जैसे हमारा हार्ट होता है ना, हार्ट क्या होता है, लगभग क्या होता है, कभी थकते नहीं है, कभी रुकते नहीं है, और हमेशा क्या होता है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि हार्ट भी कुछ समय, कुछ 0.5 सेकंड के लिए क्या होता है, रुकता है, लेकिन उसको बहुत से लोग मानते नहीं है,
जैसे क्या, तो बहुत से लोग मानते हैं कि जब आपको बताना एक संकुचन और एक विलयन होता है, तो संकुचन और विलयन के बीच में एक कुछ समय के लिए क्या होता है, मतलब बहुत ही कम समय के लिए हार्ट को रुकता है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन क्या होता है, बहुत से लोग इसको मानते नहीं, मतलब साइंटिस्ट इसको मानते नहीं है। तो जो लोग मानते हैं तो वो सोचता है कि क्या होता है, क्योंकि उसका एक दोनों के बीच में जब से काम करने होता है, तो उसके बाद क्या होता है, स्टार्ट होने में ऐसा होता है। लोग बोलते हैं कि क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा जो टिश्यू होता है, जिसको ऊतक कहते हैं, वो अनैच्छिक टाइप के ये टिश्यू होता है। जो ऐसे टिश्यू जो होते हैं ना, वो क्या होता है, किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे आंख के जो पलकें होती है, पलकें, बताइए कि उसको कंट्रोल कर सकते क्या? नहीं कर सकते। कि उसको क्या होता है, वो अपने अनुसार क्या होता है, जैसे आप धूप में जाएंगे, जैसे आप धूप से अंदर आएंगे, तो उसी से क्या होता है, वो आंख क्या, जो हमारे मसल्स होते हैं या जो उसमें टिश्यू लगे होते हैं, वो टिश्यू क्या ऑटोमेटिक क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। ये कौन बताएगा? जैसे मान लीजिए, देखिए आप बहुत बार देखे होंगे, जब धूप में जब आप 1 घंटा 2 घंटा रहते हैं ना, उसके बाद आप किसी रूम पे आ जाइए या किसी छायेदार रूम पे जगह पे आ जाइएगा, तो आपको दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा कुछ समय के लिए। क्योंकि उस समय क्या होता है, आंखों को क्या कहते हैं, रीमैनेजमेंट करना होता है, एडजस्टमेंट जिसे कह सकते हैं। उसके लिए आप कुछ समय के लिए क्या देख नहीं पाता है, या सही से देख नहीं पाता है, या कभी कभी क्या होता है, कई साए में है और अचानक क्या होता है, बहुत तेज धूप में आप चले जाते हैं। तो तेज धूप में क्या होता है, लाइट की जो इंटेंसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है, उससे इंटेंसिटी में क्या होता है, हमारी आंखों का जो सामंजस्य जिसे कहते हैं, वो क्या होता है, बन नहीं पाता, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो ये सारे चीज कंट्रोल क्या होता है, किसी के बस में नहीं होता है। इतना भी कोशिश कर लीजिए, ये किसी के बस की बात है नहीं। तो ऐसी जो चीज होता है वो उसको अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं या अनैच्छिक कार्य कहते हैं, जो तो हमारे इच्छा के विपरीत होता है, जो हमारा बॉडी के कोई बात उसको रोक नहीं सकता है। इसीलिए बोला कि जो बैक जो ब्रेन होता है वो ऐसे करता है, और बैक ब्रेन जो ब्रेन होता है उसके साथ कहता है स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा होता है, और स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे जुड़ता है ना, ये क्या बहुत ही सेंसिटिव जगह होता है, इसी पे चोट करने से व्यक्ति जल्दी मर सकता है। देखिएगा, अधिकतर आप मार्शल आर्ट वगैरह में जो एक्टिविटीज होता है ना, यहाँ पे चोटें ज्यादा करते हैं, तो इसलिए उसको होता है। रिकॉलिंग का मतलब कोई आदत हो, कोई चीज हो, उसको रिकॉलिंग करना। रिकॉलिंग का मतलब ये नहीं, जैसे आप बोलो ना कि आप एग्जाम में जा रहे हैं, एग्जाम हॉल से जाने से पहले आपको कुछ क्या होता है, याद ही नहीं आ रहा है। जैसे ही एग्जाम हॉल में आप पेपर आपके हाथ में आ गया, फिर क्या होता है, वो रिकॉलिंग होने लगता है, वो आपको धीरे धीरे याद आ रहा है। अब ऐसे चीज कभी याद नहीं आएगा जो कभी पढ़े नहीं है या जो भूल गए हो, ऐसे चीज अगर याद होता है तो आदमी क्या होता, कुछ भी कर सकता है। अच्छा, समझिएगा, इसलिए देखिए, जिनका कंसंट्रेशन पावर जितना ज्यादा होता है, उसकी रिकॉलिंग पावर उतना ज्यादा होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा स्वामी विवेकानंद के बारे में, अब वास्तव में था कि नहीं है वो अलग बात है, कि एक बार अगर कोई किताब पढ़ लेते तो क्या होता है, उसको कहीं से भी पूछ लो उसको याद हो जाते थे। तो उनका क्या होता है, जो उनका रिकॉलिंग पावर बहुत हाई होता है, और जो मेडिटेशन से क्या होता है, रिकॉलिंग पावर हाई होता है। आप लोग देखे होंगे जितने भी बड़े बड़े संत वगैरह होते हैं, इनके रिकॉलिंग पावर बहुत बढ़िया होते हैं। संत की बात बोलो, सभी की बात नहीं बोलो, इनकी रिकॉलिंग पावर क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए व्यक्ति को इस तरह से एक्टिविटीज करने से इसकी पावर बढ़ती है। चलिए, ये जीवन की कुछ चीजें हैं जो करना चाहिए। चलिए अगला देखिएगा, हमारा स्पाइनल